है, रोज डे, प्रपोज डे, हग डे और किस डे मनाया जा रहा है। इस बीच एक लेटर जो लव लेटर है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये तेजस्वी यादव यानी बिहार के डिप्टी सीएम के नाम लिखा गया है, एक लड़की ने लिखा है और बड़ा ही दिलचस्प अंदाज है। दरअसल डियर तेजस्वी यादव कहते हुए लड़की ने संबोधित करते हुए ये पत्र लिखा है और उप मुख्यमंत्री बिहार को अपने दिल का दर्द बताया है, दिल का हाल बयां किया है। सोशल मीडिया पर ये लेटर वैलेंटाइन वीक में तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कुछ लिखा गया है हम आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल लड़की सीधे सीधे कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है तेजस्वी जी पर कि आपने उसके प्यार पर कुंडली मार दी है, कुंडली मार के बैठे हुए हैं। जी हाँ, लड़की ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में ये लेटर लिखा है। क्या कुछ लिखा है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर डिप्टी सीएम ने कैसे कुंडली मार के वो जो बैठे हुए हैं लड़की के प्यार पर, ये भी बताएंगे, क्योंकि लड़की ने खुद ये हाल बयां किया है और नीचे एक दिल की आकृति बनाई है जिसमें उसने अपना नाम लिखा है और अपने प्रेमी का नाम भी दिया है। दरअसल लड़की पत्र में जो जिक्र कर रही है कि उसका कहना है कि बहुत टेंशन में है लड़की जो है, उसका नाम पिंकी है, पिंकी बहुत टेंशन में है क्योंकि उसके प्रेमी जो है शादी नहीं कर रहा है, जो मैरिज के लिए वो कह रही है तेजस्वी यादव से कि आपने तो मैरिज कर लिया लेकिन मेरी मैरिज फंस गई है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए मेरा प्रेमी जो है वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है। मैं प्रभात से प्यार करती हूँ लेकिन प्रभात जो है वो कहता है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी शादी नहीं करेंगे। क्या कुछ लिखी है, कुछ लाइन मैं पढ़ के सुना दूं आपको जो लिखा गया है कि आपको पता है हम बड़ी टेंशन में हैं आपसे, क्या आप मैरिज कर लिए लेकिन इधर मैरिज पर बेरोजगारी का अड़चन लग गया है, हम 4 साल से प्रभात से अफेयर में हैं, प्रभात के साथ अफेयर में हैं, अफेयर के उम्र में करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं। बड़ा ही दिलचस्प अंदाज में लिखा है लड़की ने और आगे लिखती है, सोचे कि नौकरी लगेगी तो प्रपोज करेंगे, तो नौकरी तो दिन नौकरी तो लगने से रहा, एक तो वैकेंसी नहीं है, आता है तो वैकेंसी आता भी है तो पेपर लीक हो जाता है, ये सब देखते देखते लंबा लगता है कि यो वैलेंटाइन ऐसा ही पार हो जाएगा और भोरे और हम प्रपोज भी नहीं कर पाएंगे। दरअसल ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है और वैलेंटाइन वीक में लड़की का दर्द निकल कर सामने आया है और कह रही है कि वो उसे तो नौकरी मिल नहीं रही है तो इस वैलेंटाइन वीक में भी लगता है कि उसकी शादी नहीं हो पाएगी अपने प्रेमी से। दरअसल कहीं ना कहीं ये लेटर जो है ये सच्चाई बयां कर रही है, कहीं ना कहीं एक तरह से तंज कसा गया है और सोशल मीडिया पर ये लेटर वायरल हो रहा है। इसके जरिए ये बताने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि बिहार में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है, भले ही सरकार दावा कर रही है, सीएम नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि 20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन हाल बुरा है, हाल ये हो गया है कि प्रेमिका की शादी नहीं हो पा रही है प्रेमी से क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो बड़ा ही दिलचस्प अंदाज में कहीं ना कहीं तंज कसा गया है ये लेटर है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और पिंकी जो हो सकता है कि एक छद्म नाम से किसी लड़की ने या किसी शख्स ने लिखा है और प्रभात जो उसका प्रेमी है अपना दिल का दर्द वो बयां कर रही है और कह रही है कि इस वैलेंटाइन वीक में भी लगता है कि हम अब जो है उसको प्रपोज नहीं कर पाएंगे। तो वैलेंटाइन वीक का मौका है तेजस्वी जी, ध्यान दीजिए, नौकरी दे दीजिए तो शायद अगले वैलेंटाइन वीक तक बात बन जाए। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।